नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी की विशेष रिपोर्ट में। आज हमारे साथ बड़सर से राकेश बबली जी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। उनसे हम बात करेंगे, विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हम इनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि काफी टाइम से जो है वो RSS के साथ भी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है सर। आप बताएंगे कि लोगों से मिल रहे हैं, विधानसभा में चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह का लोगों का इस बार आपको रिस्पांस मिल रहा है? मैं पिछले कई वर्षों से हमारा जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र है, वहां की जनता के साथ जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, वहां की समस्याएं हैं, और दूसरा विषय कि वहां का जो एक जनसंपर्क अभियान के दौरान हम सभी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करें स्थानीय जनता से, तो बहुत जो समस्याएं हमारे इस जिला का जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र है वो समस्याओं से घिरा पड़ा है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की दुर्दशा हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, ऐसे इन सारे मेजर इश्यूज के ऊपर मैं लगातार गांव-गांव जाकर और पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़ी पंचायतों में लगातार जनसंपर्क अभियान के दौरान सारी जनता के साथ मिल रहा हूं और वहां के सारे मुद्दों को जनता के माध्यम से आगे प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जनता, आपने जो विधानसभा बड़सर के मुद्दे उठाए हैं उनको लेकर आपको जो है वो लोगों का किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? मैंने कहा कि जनता एकदम युवा, सारे क्षेत्र के युवा हमारे साथ हैं। मैं लंबा समय छात्र राजनीति में रहा हूं और हमीरपुर महाविद्यालय से मैंने अपना छात्र राजनीति का कैरियर शुरू किया। यहां पर मैं सचिव के नाते काम किया, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान भी छात्र राजनीति में लगातार रहा और मैं दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री रहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, तो वहां भी मेरे को कई बार कई इश्यूज के ऊपर और छात्र राजनीति में काम करने का मौका मिला। और 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर काम शुरू करना शुरू किया और अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अनुराग ठाकुर जी, उनके साथ में राष्ट्रीय टीम में था और पंजाब का प्रभारी था, तो इस नाते पंजाब में भी जो सरकार रिपीट हुई, मैं 2010 से 2013 तक पंजाब का प्रभारी रहा भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और भाजपा काली गठबंधन की सरकार रिपीट हुई तो मैं लगातार केंद्रीय राजनीति से लेकर प्रदेश के कई इश्यूज के ऊपर काम किया और अपना जो हमारा बड़सर स्थानीय क्षेत्र है अब वहां की जनता के साथ सीधा संवाद करके और बातचीत करके, चाहे किसानों के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, महिलाओं के विषय हो, जो मैंने कहा है कि वहां उस क्षेत्र की सारी समस्याओं के ऊपर हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही जो है वे कांग्रेस के जो CPS इंद्रदत्त लखनपाल हैं वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। कितना विकास जो है वो कांग्रेस के इस कार्यकाल में जो है वो बड़सर विधानसभा क्षेत्र का हुआ है? वहां परिवर्तन के लिए जनता तो उनके साथ चली थी और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज भी समस्याएं वहीं की वहीं हैं। और 5 वर्षों में मैंने कहा कि हमारे इस बड़सर विधानसभा क्षेत्र का एक दुर्भाग्य रहा है कि लोग बाहर से और डेपुटेशन आते रहे, वहां पर यहाँ की जनता के साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, लोगों के विषयों को हल करने के लिए जो एक संघर्ष करने का मादा होता है, उसकी बहुत कमी रही है। और शिमला से ही लोग टेम्परेरी बेस पे आते रहे, उनके घर शिमला में है, बच्चे वहां पढ़ते हैं, परिवार वहां है, तो बड़सर के साथ तो एक सौतेला व्यवहार होता रहा है और 5 वर्षों में भी कोई किसी भी दिशा में कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा पाए, तो जनता में एक भारी आक्रोश है पूरे क्षेत्र के अंदर। इस बार जो है आप बड़सर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर हाईकमान आपको भाजपा की टिकट देती है तो आपको किस बेस पे टिकट देगी? मैंने कहा है कि हम बचपन से अपने संगठन और विचारधारा के साथ जुड़े, स्कूल के समय से ही विद्यार्थी परिषद में मैं 12 वर्षों तक लगातार पूर्णकालिक रहा, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली प्रदेश का भी मैं संगठन मंत्री रहा, उसके बाद भाजपा में लगभग 7 राज्यों में 8 राज्यों में चुनाव प्रभारी के नाते हरियाणा में गया, जम्मू कश्मीर में गया, असम में गया, झारखंड में गया, उत्तराखंड में गया, तो इतने राज्यों में काम करते हैं और जब जब पार्टी ने, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, जहां भी दायित्व सौंपा हमने पूरी ताकत और निष्ठा के साथ काम किया और हमें लगता है कि पार्टी में एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। आप देख रहे, हमारी पार्टी तो ऐसे विशेष है कि यहां विशेष व्यक्ति को न देखकर जो कार्यकर्ता लंबे समय से संगठन के काम में लगा है, तो उसी उम्मीद के साथ मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपने संगठन पर, मेरे को लगता है कि वो अच्छा फैसला होगा और संगठन के में मेरे को काम करने का मौका मिलेगा।
साथ ही पिछले विधानसभा क्षेत्र 2000 बड़सर से जो है आपने 2012 में भी टिकट की दावेदारी की थी, तब आपको निराशा हाथ लगी थी। अगर इस बार फिर से आपके हाथ निराशा लगती है तो आगे की क्या रणनीति? नहीं, मैं तो एक मैंने कहा है मैं एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और 2012 में भी पार्टी में कार्यकर्ता के नाते टिकट का मांग की थी। वहां के स्थानीय लोगों ने एक प्रेशर बनाया था, और जैसे ही माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने हमें कहा कि आपका अगर टिकट नहीं होता है राकेश जी तो आप जसवा परागपुर में प्रभारी के नाते काम करें, तो मैं वहां पर जसवा परागपुर में पार्टी जो फैसला लेगी वो हमारे लिए अंतिम फैसला होता है। तो मैं एक कार्यकर्ता हूं निष्ठा के साथ, आप भी जो पार्टी का आदेश होगा, जो पार्टी का निर्देश होगा उसी का पालन करेंगे, और कार्यकर्ता की तरह मैंने कहा है कि मैं जसवा परागपुर का प्रभारी रहा और भारी मतों से सीट हम वहां पे जीते, तो लंबे समय मैं एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। अगर किसी अन्य भाजपा के बड़सर से दावेदार को जो है टिकट दी जाती है तो आप एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में दोबारा से वहीं पे काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, जो पार्टी का निर्देश होगा। आप देखेंगे कि पिछले चुनावों में भी मेरा जो स्थानीय क्षेत्र है और वहां के जितने भी बूथ हैं वहां पर चाहे मेरे को टिकट नहीं मिला लेकिन पार्टी को ऐतिहासिक लीड है, अगर आप किसी भी माध्यम से देखना चाहें मेरे अपने बूथों पर और मेरे सारे क्षेत्र के अंदर पार्टी को लीड मिली है, तो इसलिए हम भाजपा और पार्टी के लिए संगठन के लिए ही काम करेंगे। अपनी दावेदारी को लेकर कितने सशक्त हैं? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे चाहे विपक्ष के नेता हैं, लंबे समय से इन लोगों के साथ हमारा बहुत संपर्क है, और इनका जो दूरदृष्टि है और संगठन में कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का जो इनका हमेशा संकल्प रहता है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व ऐसे हमें एक कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका देगा, ऐसी उम्मीद है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो पिछले 15 सालों से भाजपा रही है, क्या मानते हैं कि भाजपा के समय में कितना काम हुआ है, और कांग्रेस ने जो है वो भाजपा को कहा है कि भाजपा ने कोई काम नहीं करवाया है पिछले 15 सालों में, तो आप क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जिला से हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी से हम सब लोगों ने वहां पर स्टेडियम की मांग की थी, वो भी उन्होंने पूरी की हमारी, और बहुत सी बड़ी योजनाएं उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए दी हैं। तो ऐसा ये कांग्रेस के आरोप गलत हैं, क्योंकि वो 5 वर्षों में बुरी तरह नाकाम रहे हैं और जनता उनको अब नकार रही है, तो वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। धूमल जी के नेतृत्व में जब वो यहां पर मुख्यमंत्री थे हमारे क्षेत्र में बहुत सी बड़ी बड़ी योजनाओं को अंजाम दिया गया। साथ ही इस बार जो है वो पूर्व विधायक बलदेव शर्मा भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनके साथ ही कई अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी बड़सर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से एक ही विधानसभा के कई लोगों की दावेदारी करने से क्या इसमें भाजपा में गुटबाजी नजर आएगी? नहीं नहीं, ऐसे तो हमारे यहाँ पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है, कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारी पार्टी चलती है, और पूर्व विधायक जी का भी अधिकार है, उन्होंने 15 वर्षों तक नेतृत्व किया है, तो इसलिए कार्यकर्ता के नाते हम सभी लोग अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व सबकी चीजों को देखते हुए फैसला लेगा, और इसमें कहीं भी गुटबाजी का कोई विषय नहीं है। तो कार्यकर्ताओं का आपस में कई विषयों पर मतभेद है, मनभेद नहीं है, तो इसलिए हम सब मिलकर काम करेंगे पार्टी के लिए। साथ ही अगर बात की जाए, अगर आपको टिकट दी जाती है हाईकमान की तरफ से, आप भाजपा बड़सर से जो है भाजपा के विधायक बनते हैं, तो क्या प्रमुख ऐसी समस्या है जिसको आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं, बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे इस क्षेत्र का कि स्वास्थ्य की छोटी छोटी सेवाओं के लिए भी या तो PGI जाना पड़ता है या फिर टांडा मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं क्षेत्र की महिलाएं हैं पिछड़े क्षेत्र के, उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलें, और दूसरा विषय सड़कों की जो दुर्गति है, बहुत बुरा हाल है जो हमारे क्षेत्र की हार्ट लाइन है, बड़सर से हमारा बल्ठी का रोड हो चाहे सलौनी से देवसिद्ध का रोड हो, ये दोनों हार्ट लाइन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी हैं जो पिछले 30 वर्षों से उसी स्थिति में है। तो हम शिक्षा, सड़कें और स्वास्थ्य, ये तीन विषय हमारे प्राथमिकता के रहेंगे अगर हमें नेतृत्व करने का मौका मिलता है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही है कि आने वाले समय में जो हमारे सारे देश के अंदर देश को नेतृत्व मिला है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, तो उनके सारे जो कार्य देश के अंदर चल रहे हैं, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और बड़सर में भी भारी मतों से हमारे सारे कार्यकर्ता और देश के प्रधानमंत्री के इन सारे कार्यों को और ताकत मिलेगी अगर हिमाचल प्रदेश में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है।
शुक्रिया डॉक्टर राकेश बबली जी, आपने हमसे बात की उसके लिए शुक्रिया। आपने देखा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जो है वो डॉक्टर राकेश बबली ने ही अपनी दावेदारी पेश की है, साथ ही ये अपनी टिकट को लेकर काफी सशक्त हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा हाईकमान किसको टिकट देती है और बड़सर की जनता किसको अपनी सरांखों में बिठाती है। एस टुडे के लिए मीनाक्षी की रिपोर्ट।